हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्टाइलिश। मेरा नाम है मंजू और आपका बहुत 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 स्वागत है। नाउ आपको सीरीज कैसा लग रहा है? आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, राइट? तो इस सीरीज से जुड़ा हुआ ये लुक भी मैंने तैयार किया है स्पेशली आपके लिए कि आप अगर ब्राइडल हो या फिर आप कोई भी आप वेडिंग अटेंड करने वाले हो तो ये लुक आप जो क्रिएट कर सकते हैं, मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ब्राइडल के लिए स्पेशली वीडियो बनाए हैं, बट आई नो स्पेशल डे में आप खुद तो ब्राइडल मेकअप नहीं करेंगे, आप एक हायर करेंगे एक पार्लर से एक ब्यूटिशियन को बाद, बट अगर हाँ खुद से आप कर सकते हैं ऑन बजट तो आप डेफिनेटली ये स्टेप बाय स्टेप सीखिए कि मैंने ये मेकअप कैसे किया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ज्वेलरी कहाँ से आई जो इतनी ब्यूटीफुल है, तो मैं बहुत ही गर्व से कह सकती हूँ यस, ये फ्रॉम मीशो है जो कि इंडिया का सबसे नंबर वन रीसेलिंग ऐप है। और हाँ, मैंने ये वहीं से खरीदा है, बट हाँ ये सब कुछ सेट कॉम्बो सेट नहीं है, इनको अलग अलग मैंने बाय किया है और सेट अलग है, चोकोर अलग है, माथा पट्टी सब कुछ ये अलग अलग है। तो सबकी डिटेल जो भी है, कोड जो भी है, मैं आपको मैंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ द मूव ऑन करते हैं अपने इस मेकअप को। तो ये मेकअप मैंने कैसे किया, तो स्टेप बाय स्टेप आपको देखो आगे। नाउ अगर आपको ये मेकअप और ये ज्वेलरी और ये लुक आपको पसंद आया है तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हो तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप अपने आईब्रो को जरूर फिल कीजिए, क्योंकि आपका ये आईज है ना, उसको हाईलाइट करने के लिए आपका आईब्रो तो ब्यूटीफुल होना ही चाहिए। तो ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है जो कि बहुत ही अच्छा पैलेट है, अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया है मुझे। देन ये जो पैलेट है इसमें मिरर है, इसलिए इसका प्लस पॉइंट मुझे ये बहुत पसंद है कि इसमें मिरर भी आपको साथ में मिल जाता है। ठीक है, देन इसके बाद आईब्रो फिल होने के बाद आप ये कंसीलर जरूर लगाइए, क्योंकि ब्राइडल लुक करने जा रहे हैं तो आपकी आईब्रो की शार्पनेस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, देन आप कंसीलर को अपने आईब्रो के जस्ट कॉर्नर में अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप स्पॉन्ज और ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। देन आप आई लुक के लिए आप कंसीलर लगा लीजिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, उसके बाद ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेना। कंसीलर लगाने से क्या होता है कि आपके जो आई शेडो का जो लुक है बहुत अच्छे से इन्हेंस होता है, पॉप होता है, राइट, और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। आपके पास कंसीलर नहीं तो आई प्राइमर आप लगा सकते हैं। देन इसके बाद मैं स्पॉन्ज की हेल्प से डब डब कर रही हूँ, दैट्स इट। ठीक है, रिमूव नहीं कर रही हूँ। लैक्मे का ये लूज पाउडर है, इसको लगाना जरूरी है क्योंकि आपका जो कंसीलर बहुत ही लिक्विड उसमें आता है, तो इसलिए पाउडर से लगाने से आपका जो आई का जो लुक है ना बहुत अच्छे से पॉप होगा और लॉन्ग टाइम तक रहेगा। देन इसके बाद मैं फेस में आ जाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मेरी फेस बहुत हो रही है ड्राई, तो इसलिए मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। और आप मॉइस्चराइजर से पहले अपने फेस वॉश जरूर कर लीजिए, देन उसके बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए। ठीक है, फिर मॉइस्चराइजर को अपने नेक एरिया, अपने हैंड्स में हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप 5 मिनट का वेट कीजिए कम से कम। देन इसके बाद आप वेट करने के बाद आप फेस सीरम अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। ठीक है, उसके बाद ये रोज हिप का फेस सीरम है जो कि मेरा फेवरेट है, मैं आपको बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ इस बारे में। तो इसके बाद ये इसको लगा लीजिए, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है ना तो ये मुझे सूट करता है। देन इसके बाद मूव करते हैं द लिप बाम। अपने होंठ को, अपने लिप्स को मॉइस्चराइजर कीजिए इस लिप बाम के साथ, बहुत ही अच्छा है और अफोर्डेबल प्राइस में जाता है। ये ब्लू हेवन का है। आज मैं प्राइमर लगा रही हूँ, ये स्विस ब्यूटी का आप देख सकते हैं पर्ल मेकअप ऑफ बेस। ठीक है, ये इस तरह का इसका टेक्सचर है, बहुत ही अच्छा है, एकदम रॉयल पैकेजिंग में आती है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसको आप अप्लाई करेंगे ना आपके फेस में एक अलग ही शाइन आएगी, आप देख लीजिए, और आपकी स्किन जो है बहुत स्मूथ हो जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका टेक्सचर, आप देख सकते हैं। नाउ अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। ये मेरा करेक्टर है जिसको मैं ऑरेंज कलर का, इसको आप कहीं तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे स्किन में बहुत सारे तिल हैं, उनको हाइड करने के लिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। अगर आपके डार्क स्पॉट है उसको हाइड करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये ऑरेंज पीच कलर का है, आप फिंगर से डैप डैप करके आप इसको कर लीजिए, नहीं तो आप स्पॉन्ज की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये फिटमी का फाउंडेशन है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। 220 है इसका शेड नंबर। इसको ब्रश की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस में और अपने नेक एरिया में इसको ब्लेंड कर रही हूँ। देन इसके बाद आप ये ब्रश ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है, बस इसको सिर्फ
लगाने के लिए यूज करते हैं। देन आप स्पॉन्ज का यूज कीजिए, नहीं तो एक फाउंडेशन ब्रश आता है उससे आप ब्रश को अप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे स्पॉन्ज बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फाउंडेशन मेरे शेड का है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये फाउंडेशन। देन आप कंसीलर लगा लीजिए अपने हाईलाइट एरिया में, जहां जहां आपको हाईलाइट करना है। देन आप ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो स्पॉन्ज है ना ड्राई नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको पानी में स्क्वीज करके फिर उसको आप पानी को अच्छे से निचोड़कर फिर आप इसको अप्लाई कीजिए। देन आप कंटूरिंग पार्ट आते हैं, जो कि मस्ट है और बहुत जरूरी पार्ट है द ब्राइडल के लिए, अगर आप हैवी बेस मेकअप करते हैं तो, क्योंकि आपका जो फेस है बहुत व्हाइट हो जाता है, प्लस आपका फेस को कंटूरिंग करने के बाद आप एक अच्छा शेप मिल जाता है आपके फेस को, ठीक है। देन इसको ब्लेंड कर लेना। आज मैं यूज कर रही हूँ ये ADS का पैलेट, जो कि आपको मैंने शेयर कर रखा है अपने आई शेडो कलेक्शन में, ठीक है। आज ये वाला ब्लश मैं यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं द ब्लश। अभी आपको फर्स्ट उसमें कैमरे में नहीं लगा होगा, बट मुझे रियल जब अपने आपको मैं फेस में देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ ब्लश अच्छा है, बट कैमरे में पता नहीं क्यों पिक नहीं कर रहा कलर। देन ब्लश को अप्लाई करने के बाद ब्रश से, देन अब इसी पैलेट को मैं आज इस पूरे वीडियो में शेयर करूंगी। और इसी पैलेट का मैंने हाईलाइटर लिया है, जो कि वाव द बॉम हाईलाइटर, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका हाईलाइटर। एक ही बारे में इतना अच्छा शाइन दे दिया इसने मुझे अपने नोज एरिया और अपने चिक्स के ऊपर। आप इसको हाईलाइट कीजिए, बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है। देन अब मैं जैकलिन हिल का ये पैलेट यूज कर रही हूँ, और आज इसी पैलेट को यूज करके एक आई शेडो लुक तैयार करते हैं। ये बहुत ही फ्लैट ब्रश के साथ बहुत ही मैंने इसको अपने क्रीज पे अप्लाई किया है, लाइट ब्राउन शेड है। मैं अभी एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ दैट्स इट, ताकि मैं अपने आई लुक जो मैं देना चाहती हूँ वो एक ड्रॉ हो जाए, ठीक है। देन इसके बाद इस नेक्स्ट ब्रश मेरे पास है कफल नैशेस का 006, उसके साथ मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी, ठीक है। इसी डार्क ब्राउन शेड को लेकर अपने क्रीज एरिया में जाके इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी दोनों आईजो में। आप बारी बारी साथ साथ कीजिए तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा, ठीक है। और बस इस तरह से ये वाला शेप दे रही हूँ मैं, ताकि अच्छे से आ जाए। और मेरा जो ये मिरेकल वाटर है 20 समथिंग का, बहुत अच्छा लगा, यूज कर सकते हो आप। ये कॉम्बो सेट आया था, और इसी मैंने अपने क्या बोलते हैं इसको मैं बस रिमूव कर रही हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना आई शेडो का, बस उसको रिमूव किया है और इस तरह का शेप देने की कोशिश की है, ठीक है। देन आप कंसीलर यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आप कंसीलर दीजिए और इस तरह का आप शेप दे सकते हैं। और ये कट क्रीज है, ये फुल कट क्रीज शेप है, आप देखिए। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको शेयर किया था हाफ कट क्रीज, ये फुल कट क्रीज है और बहुत ही अच्छा हुआ है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। देन कट क्रीज तो हो गया, अब मैं कलर जो पॉप कर रही हूँ इसमें, ये मैजेंटा पिंक कलर का है, ठीक है। इसको मैं अपने कॉर्नर्स में लगा रही हूँ, क्रीज के कॉर्नर्स में, ठीक है, उसको हल्का सा, क्योंकि इसमें एक और शेड दूंगी मैं आपको। इसमें पहले तो इसको शेड को अप्लाई करना है, टैप टैप दैट्स इट, ब्लेंड नहीं करना, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट शेड मैंने लिया ब्रश चेंज करके, गोल्डन शेड है इसी पैलेट का, जो कि ब्रश से बिल्कुल आ ही नहीं रहा था, तो मैंने अपने फिंगर से शेड लिया और टैप किया है, तो तब जाके थोड़ा आया है इसका शिमर आर्टिकल्स। और देन इसके बाद ये मैजेंटा पिंक दोबारा से मैं अपने कफ एंड लैशेस के ब्रश के साथ उसको ले रही हूँ, और बीच में जहां इन दोनों का कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना, बीच में एक हार्श लाइन आ रही थी, तो उसको अच्छे से ब्लेंड करके ना एक बहुत एक नेचुरल वे आया कि हाँ, ठीक है। उसके बाद इस ये वाला फॉर्मेट जरूरी करना है, नहीं तो आपका आई शेडो का लुक है ना अच्छा से अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और ये जो मेरे पास जो मैंने आपको कैमरे में दिखा रही हूँ, ये मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया है, ये शिमर गोल्डन कलर का शिमर है, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं ये, अगर आप इस तरह का लुक देना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद मैं वही सेम पैलेट ADS का ले रही हूँ, जिसमें हाईलाइटर था उसी को मैं अपने आईब्रो के जस्ट नीचे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरा आई लुक है बहुत ही अच्छे से पॉप हो और बहुत सुंदर लगे, राइट। देन अपने नोज में भी आप लगा सकते हैं अगर हाईलाइट आपको बहुत पसंद है तो, ठीक है। देन आप इनर कॉर्नर्स वहां पे भी अपना हाईलाइट कीजिए। देन नेक्स्ट मैं ये पैलेट का ही सेम जो मजेंडा पिंक कलर है उसी को सेम अपने अपने आईज के वाटर आई लाइन जो है उसमें अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो आई लुक है कम्प्लीट होता है, बट
काजल मस्ट है। ये एनवाई का काजल है जो कि मैं अपने वाटर लाइन में ही लगा रही हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है, ताकि आई लुक है बहुत अच्छी। ओके, नेक्स्ट जो आई लैशेस से, मैं आज फेक आई लैशेस यूज नहीं कर रही हूँ, तो ये मैं कर्ल्स कर रही हूँ इससे अपने आई लैशेस को। देन अब मैं मस्कारा यूज करूंगी जिससे बहुत आसान अब मेरा आई लैशेस बहुत अच्छे लगे, राइट। देन ये ब्लू हेवन का मस्कारा है जो कि अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाता है, प्लस इसमें इसको यूज करना आसान है, ठीक है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। देन अब मस्कारा यूज होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है आईलाइनर, जो कि ये मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया है, तो इसलिए मैं इसका लिंक कुछ नहीं दे सकती आपको। तो ये आईलाइनर बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है ये आईलाइनर। अगर मुझे इसका सिमिलर कोई प्रोडक्ट मिलता है मैं जरूर शेयर कर दूंगी, बट ये मार्केट से है तो इसलिए मैं आपको ज्यादा इसके बारे में नहीं बता सकती, बट मुझे ये आईलाइनर बहुत अच्छा लगा। देन मैं आज लिपस्टिक यूज नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसी पैलेट का जो ये लिप शेड है मैं उसको यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, और मुझे इसका लिप शेड बहुत अच्छा लगा। दोनों ही आपको बहुत अच्छे बढ़िया लिपस्टिक मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरा मेकअप बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। बट फिक्सर तो जरूर लगाइए, ठीक है, अपने मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। देन चलती हूँ मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाने के लिए, चलिए। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हाँ, अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा और ये लुक कैसा लगा तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना और शेयर भी कर सकते हो, और हाँ नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव्स ऑफ लव, बाय।